आपका क्वेश्चन है प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो क्या दिया है, सेट 4a इंटू 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है नाउ तो वी विल गो फॉर LHS। तो LHS हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यानी साइन एंड कॉस में रखेंगे सबको। तो देखो आपका क्या आएगा, ये सेट 4a इज 1 बाई कॉस 4, 1 बाई कॉस 4 इंटू 1 माइनस साइन 4 माइनस 2 एंड टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है नाउ अब देखो ये आपको चेंज नहीं करना है, नो नीड, है ना। यहां पर देखो 1 माइनस साइन 4 ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, है ना। तो ये सिर्फ हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाला चेंज करेंगे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस 4 ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। नाउ अब यहां पर देखो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आप इसको चेंज करेंगे, क्या है ये आपका कॉस स्क्वायर ए, आपकी एक आइडेंटिटी है ना, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। नाउ इसको कट कर दो, कॉस स्क्वायर ए एंड ये 4 पावर खत्म हो गया, आपका बच गया आप 2, है ना। तो क्या हो गया आपका, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया, 2 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, है ना। नाउ ये दोनों का एलसीएम अभी सेम है ना, तो हम एलसीएम सेम लिख लेते हैं। तो ये देखो आपको क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए और यहां पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है नाउ अब ये देखो प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्या हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका हो गया माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू, कट करो यू विल गेट 1। नाउ यू कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो हैंस प्रूव्ड।